नमस्कार। इंडोनेशिया के भारतीय लोगों ने यहाँ के जो 3-4 महीने से यहाँ के जो म्यूजिशियंस का हाल देखते हुए उनकी मदद के लिए ये आज का जो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइज किया है, और उनको हम बहुत धन्यवाद देते हुए और आपका स्वागत करते हैं, और स्वागत के लिए कुछ बजाते हैं, तो सुनिए। आज मोहम्मद रफ़ी साहब का स्मृति दिन है, तो एक फिल्म ससुराल करके आई थी, और उसमें उस टाइम जो गाना रफ़ी साहब ने गाया था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तो राजेंद्र कुमार जी हीरो थे ये फिल्म के, तो ये गाना पेश करते हुए हम आज के शो की शुरुआत करते हैं, और बाद में गाने चलते जाएंगे, बीच में कुछ लोगों का धन्यवाद देना है वो सब करेंगे, तो सुनिए तेरी प्यारी प्यारी सूरत को।
ये जो सैक्सोफोन और एकॉर्डियन, ये दो इंस्ट्रूमेंट सोलो प्ले करेंगे हमारे आज इंस्ट्रूमेंट के शो में। तो ये महेंद्र कुमार जी हैं, वो एक गाना पेश करेंगे, आने वाला पल।
ये अभी उपेंद्र की जो बहुत पॉपुलर धुन है जिसे गीता दत्त ने गाया है, बाबू जी धीरे चलना, ये जो साज है एकॉर्डियन उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल ये गाने में किया है। तो गाना बजाएंगे अपने कीबोर्ड प्लेयर मिहिर जी और मैं उनका साथ करूँगा। अब माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया साउंड में। अच्छा, जब तक ये केबल चेंज होता है तब तक कुछ बातें करते हैं। ये इंडोनेशिया के भारतीय लोग जो है उनकी तरफ से ये सब हो रहा है और उनमें से कुछ संस्थाएं उधर, उसमें से एक संस्था है इंडिया क्लब लीड बाय मिसेस शांति जी, श्री रमेश भाई और सिद्धार्थ जी, उनका हम बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बहुत कुछ सहयोग किया है ये इवेंट होने में। हमें गुजराती समाज के श्री निकेत भाई पारिक, उनका भी बहुत सहाय है
जिन्होंने प्रोमो अच्छा तरह से बनाया वो मिसेस मालवी, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। अगला नंबर जो है वो डुएट के रूप में हम पेश करेंगे, सैक्सोफोन एकॉर्डियन और मस्ती भरा है समा, ऐसा ये गाना है फिल्म परवरिश का। थोड़ा सा आगे के पीरियड में जाते हैं और सैक्सोफोन पे अभी आपको पेश करेंगे एक बहुत अच्छा लता दीदी का गाया हुआ गीत, बाहों में चले आओ।
आगे बढ़ते हैं। शंकर जी किशन और राज कपूर ने ये जो मैं साज बजा रहा हूँ उसे बहुत पॉपुलर किया और इसका बहुत अच्छी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों गाने में, फिल्मी गानों में बहुत इस्तेमाल अच्छी तरह से किया है। और हम जब जब ये कोई शो करते हैं इंस्ट्रूमेंटल, तो ये गाने का फरमाइश हमेशा आता है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा।
दीपक दादा वन्स मोर पाहिजे, वन्स मोर पाहिजे. कंपोज किया हुआ एक गाना पीछ सैक्सोफोन पर जो ये जो महेंद्र जी बजाते हैं वो ये गाना जो बजाते हैं वो मुझे बहुत पसंद करता हूँ मैं, और मैं उनको रिक्वेस्ट. वंस मोर वाला अच्छा उसको वंस मोर मिला है तो देखें हमें सेकंड स्टैंजा से स्टार्ट करें. जो बोल रहा था ये महेंद्र जी जो ये गाना खास बजाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है. जब जब हम इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस करते हैं तो ये गाना मैं उनको बजाने के लिए ज़रूर बोलता हूँ. मैं अभी भी बोलता हूँ महेंद्र जी ये जो रहमान जी का कंपोज किया हो तू ही रही गाना प्लीज़ बजाओ. जैसा लाइव परफॉर्मेंस चलता है वैसा वैसा ही रहेगा. Thank you.
फिर से एक बार आज मोहम्मद रफी जी का स्मृति दिन है। उसको वंस मोर आया है। अच्छा अच्छा ठीक है। से एक बार हम रफ़ी जी को याद करते हैं, उनका समुचित निन्यास। ये इस वक्त हम पेश करते हैं फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये डुएट सॉन्ग पेश करते हैं, मुझे कितना प्यार है तुमसे। Thank you.
गाना जो हम पेश कर रहे हैं ये राजेश खन्ना जी की याद में करेंगे कुछ। ये गाने में वो ट्रेन का इफेक्ट है, वो अकॉर्डियन पे दिया है जैसा, ऐसा ये करके दिया है। तो गाना बजाएंगे महेंद्र जी, और गाने के साथ साथ आप ये भी देखते जाएगा कि ये रिदम्स भी कैसे बजा रहे हैं, और कीबोर्ड मिहिर भड़कमकर ये कीबोर्ड बजाने वाले हैं ना, उनका भी काम देखिए और सब सबके साथ ध्यान रखिए, तो आपको मज़ा आएगा और मज़ा आएगा सुनने में। मेरे सपनों की रानी को
अभी और एक पुराना थोड़ा सा राज कपूर जी का एक गाना जो बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं हमारे शो में, अभी जो कभी भी हम बजाते हैं तो बहुत पॉपुलर सॉन्ग मुकेश जी का गाया हुआ, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। ब्लैकमेल का वो पॉपुलर गाना जो किशोर जी ने गाया है, पल पल दिल के पास, किशोर जी के साथ मैंने शोज़ किए हैं, अकॉर्डियन का साथ दिया है उनके लाइव शोज़ में, तो ये भी गाना हम उनके साथ बजाते थे, पल पल दिल के पास। आप बजाए सैक्सफोन पे। Thank you.
और एक गाना ऐसा है फिल्म गाइड का, उसमें सैक्सोफोन मनरिदा ने बजाए, उनको ये उनका खुद का पसंद का गाना था ये मनरिदा का। मैंने भी मनरिदा के साथ भी कुछ बजाए जो सैक्सोफोन बजाते थे वो, और सेकंड स्टैंजा जो है उसका जो म्यूजिक है वो अकॉर्डियन पे है और पहला स्टैंजा का म्यूजिक है सैक्सोफोन पे। तो सुनिए, गाता रहे मेरा दिल। Thank you.
बहुत सारे चॉइस का गाना भी बजाएंगे हम. लता दीदी ने गाया है वो फिल दिल अपना और रीत पर ही, वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उसको. अजीब दास्ता है ये. Thank you.
कितना है वैसे और कितना शो बाकी है कहीं शो फिर से एक बार हम रफ़ी साहब को याद करते हैं और एक उनका उनका खुद का पसंद जो गाना था जो नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था सुहानी रात ढल चुकी है, ये गाना हम पेश करते हैं रफ़ी साहब का। ऐसा लाइव शो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सामने ऑडियंस रहता है, अभी तो दिखाई कोई देता नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा अलग सा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप पसंद कर रहे हैं, ऐसा लगता है। कैसा लगा? ठीक है ना, सब पसंद आप आ रहा है आपको? अच्छा, सुनिए, सुहानी रात ढल चुकी है। Thank you.
कर होते। और एक रफ़ी साहब को याद करके एक दुएट गाना हम पेश करते जो मैं बजाऊंगा, मेरा पसंद वाला गाना है ये, सलील चौधरी साहब का कंपोजिशन है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल में गुजरी। बहुत सारे पुराने गीत हो गए, एक थोड़ा नया गीत पेश करते हम, उसके बोल है सांसों को सांसों में ढलने दो। फिल्म का नाम हम तुम, क्या मैं समझा हम तुम, यानी हम तुम कमरे में बंद हो, ये भी गाना होने वाला है। ठीक है, चलो
उसके पहले Thank you.
से हम कुछ लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है डांसिंग फिंगर्स। ये टाइटल के अंदर हम इंस्ट्रूमेंटल शो करते हैं। जकार्ता में शैलेंद्र हलबे जी करके हैं, वो महाराष्ट्र मंडल के सदस्य में से हैं, तो उनका साथ मेरे कांटेक्ट हो गया था और महाराष्ट्र मंडल में भी बहुत मेहनत की है ये शो होने में। उसके साथ साथ इंडिया क्लब में मिसेस शांति जी, श्री रमेश जी, श्री सिद्धार्थ जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं हम लोग। फिर गुजराती समाज के निकेत भाई पारिक, उनका धन्यवाद करते हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोमो बनाया वो है लीना मालवे, तो उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और ये गाना जो बजाया था उसका हम तुम फिल्म का नाम था ना, तो थोड़ा सा हम कुछ झलकियाँ दिखाते हैं ये जो, और वे हम तुम के साथ ही सरते हैं कुछ, हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने, थोड़ा सा हम एक एक स्टैंजा पेश करते हैं उसमें से कुछ, जो जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल खास तरह से किया है ना, वो तरह दिखाने के लिए कुछ हम ये करते हैं। ये जो अकॉर्डियन है उसमें ऐसा भी रहता है ऐसा भी रहता है, तो ऐसा जो कुछ रहता है वो देखिए ये गाने में।
फिर से एक रफी साहब का उनको याद करते हुए एक डुएट गाना का एक झलक दिखाते हैं जिसमें बहुत अच्छी तरह से सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया है। तो ये गाना है आवाज देके हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर का। देखा आपने, अब एक ऐसा गाना है इन दत्ता का कंपोज किया हुआ गाना है, उसमें एकॉर्डियन का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और एक अलग टोन एकॉर्डियन का उसमें बजाय है। तो इसका एक स्टैंजा में एक झलक करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर सो रफी साहब को याद करते हुए और शम्मीश कपूर जी को भी याद करते हुए एक गाना पेश करेंगे जिसमें सैक्सोफोन का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है और बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं ये गाने के बाद हम पेश करेंगे वो गाना। Thank you.
भी बोला था, है दुनिया उसी की गाना में बजाएगा एक स्टैंजा, और ये सैक्सोफोन का कमाल देखिए उसमें, इंट्रो आ जाते हाँ उसमें कुछ इंट्रो है सैक्सोफोन का। गाने का कुछ स्टार्टिंग में सैक्सोफोन बजाया है तो ये बजाएंगे और फिर से उसके साथ गाना स्टार्ट होता है। कुछ अंतिम चरण में अभी पहुंचने वाले हैं। मैं ये जो साथी कलाकार है और डांसिंग फिंगर्स हमारा जो ग्रुप है, इसमें जो कलाकार आपके साथ पेश कर रहे थे और शॉर्ट टीम ये
क्योंकि लिमिटेशंस का भी होता है स्टूडियो में, ये लाइव शो ऐसा ये करने का मौका आया है अभी। तो पहले सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ विनोद सोनावणे जी को, जिन्होंने ड्रम मशीन और बोंगो के ऊपर साथ किया। ये हमारे कलाकार हैं। पद्माकर गुजर, जिन्होंने ये मराठी में जो एक दो साल पहले पॉपुलर जो हुआ था ना शांताबाई करके, वो शांताबाई का सब पूरा का रिदम अरेंजमेंट और खुद बजाया है उन्होंने, और बहुत सारे बड़े बड़े शोज में रहते हैं वो, ये पद्माकर गुजर। मेरे पीछे जो आपको शायद कम दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं मिहिर भड़कमकर, जिन्होंने कीबोर्ड पे ऊपर बहुत सारा प्रोग्रेस किया है और बहुत शॉर्ट पीरियड में, जब से 15-16 साल के थे तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये मिहिर भड़कमकर, जो जिन्होंने कीबोर्ड किया और हेवी ऑर्केस्ट्रेशन का भी बहुत सारा उनका गाना, बहुत सारा गाना तैयार है उनका, जिन्होंने सैक्सफोन सोलो पेश किया, वो है महेंद्र कुमार। मैं खुद अनिल घोड़े बजाने की कोशिश करता हूँ, और ये जो साथ है एकॉर्डियन, ये जो मेरा बात हुआ शैलेंद्र हालवे जी के साथ बात हुआ ना, तो वो बोले कि उसका कुछ थोड़ा सा हमको बताइए एकॉर्डियन के बारे में, तो एकॉर्डियन के बारे में कुछ मैं बताता हूँ और उसके बाद हम एक दो गाना पेश करके फिर शो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो करना ही पड़ता है जब टाइम लिमिट होता है। तो ये जो एकॉर्डियन साज है उसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये टोन चेंजर्स रहते हैं, अलग अलग गाने में अलग अलग टोन आप दिखाते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें से पूछती हूँ, ये टोन है मैं तुम्हें भी पूछो, ये टोन हो गया। अभी ये टोन मैंने चेंज किया समझो, इधर गाने में ऐसा थोड़ा सिंगल उसमें साउंड होता है खाली, तो ये सिंगल साउंड वाला टोन ये ऐसा रहता है, ये सिंगल टोन रहता है। यही सिंगल टोन उसमें एक ऑक्टेव चेंज का कपलर है, वो ऑक्टेव चेंज जो होता है ये कपलर में होता है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री अंदर केसी लॉर्ड जी ने किया है। ये जो चीज़ है वो ये केसी लॉर्ड जी ने इसका इस्तेमाल किया है, और ये गाना हम पेश करने वाले रूप तेरा मस्ताना। दूसरा जो टोन है उसको म्यूसेट बोलते हैं। ये जो सेमी प्रोफेशनल मॉडल या प्रोफेशनल मॉडल सिंथेसाइजर के रहते हैं दो, उसमें म्यूसेट ऐसा एक रहता है, तो म्यूसेट का मतलब ऐसा है कि दो अलग अलग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशियल ये नोट्स रहते हैं, तो थोड़ा वाइब्रेशन आता है उसमें। जो मैं गाना बजाया हम तो मिके कमरे में दो, वो ये स्टोन, ये इसका ये। तो ये म्यूसेट टोन मैंने दिखाया पूरे शो के अंदर, म्यूसिक टोन पे कुछ सोलोज भी पेश किए। तो और दूसरा जो टोन है उसको मास्टर कपलर बोलते हैं, ये मास्टर कपलर बोलते हैं, उसका पूरे के पूरे नोट्स का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। ये ऐसा टोन होता है। ये जो एकॉर्डियन का ये जो साइड है, ये बटन जो है उसमें रेडीमेड कॉर्ड्स रहते हैं, एक अकेला आदमी अकम्पनीमेंट भी करता है और उसके साथ बजाता है, जैसा और जैसा रिदम होता है वैसा उसका स्ट्रोकिंग होता है। देखो अभी ये
रिदम चेंज होता है अलग अलग, तो उसमें भी स्ट्रोकिंग उसका अलग रहता है। देखो हर एक जैसा गाना है वैसा उसके ऊपर स्ट्रोक रहता है। तो ये सब ये अकॉर्डियन के बारे में कुछ बता दिया, अभी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। लास्ट के दो गाने हम पेश करते हैं और अगर टाइम बचा तो देखते हैं आगे कुछ करना हो। तो पहला गाना हम पेश करते हैं रूप तेरा मस्ताना, जो अभी मैंने बोला, जिसमें ये फिल्म के बाद किशोरदा के बहुत सारे फिल्म के आने शुरू हो गए। बीच में थोड़ा सा उनका ये पीरियड अच्छा नहीं था, लेकिन पर्टिकुलरली ये आराधना फिल्म का जो पहला हमने गाना पेश किया था, मेरे सब तुम्हें रानी, और ये जो गाना है रूप तेरा मस्ताना, उसमें एकॉर्डियन और सैक्सोफोन ये दोनों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। जिन्होंने सैक्सोफोन बजाया उनका नाम है मनहरी सिंह, और जिन्होंने एकॉर्डियन बजाया उनका नाम है खेरसी लोन। दोनों गुजर गए, अभी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि स्टेज के ऊपर मनहरी दा के साथ मैंने ये गाना बजाया और सामने खेरसी लॉर्ड जी, जिन्होंने खुद एकॉर्डियन बजाया था, वो एज ए चीफ गेस्ट थे। और एक बात ऐसी हुई फॉर्चुनेटली जो मेरे लाइफ के अंदर बहुत अच्छी बात, कि केरसी जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था ये गाने होने के बाद, और वही गाना हम अभी पेश करते हैं आराधना का रूप तेरा मस्ताना।
फिर से सुनना चाहते हैं? फिर से हम शुक्रगुजार हैं महाराष्ट्र मंडल इंडिया क्लब इंडोनेशिया का, गुजरात समाज, ये सबके हम शुक्रगुजार हैं। और ये डांसिंग फिंगर्स का आखिरी नंबर हम के अंदर प्यार हो ये सब, इसमें ज़्यादा करके हम इंडिया में परफॉर्मेंस करते हैं, तो भैरवी के ऊपर कुछ ऐसे गाने रहते हैं ना, उसके साथ एंड होता है, तो ये गाना एंड करने के लिए बहुत अच्छा है। और काफ़ी सारा हेवी ऑर्केस्ट्रेशन है ये गाने में, और मैं आपको ये गाना बिल्कुल पसंद आएगा मुझे लगता है, प्यार हो सर। हेलो, हेलो, बिफोर हम लोग आखिरी गाना सुनना चाहे और आपका मूड खराब होने से पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अनिल गोड़े सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए प्रस्तुत किया। आप और आपके सभी साथी महेंद्र कुमार जी, पद्माकर जी, मिहिर जी और सोनावणे जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए सुनने के हमें सुनने के मौका मिला हमें सुनने का। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग और करते रहें, आपके साथ जुड़ते रहें,
और जो भी मेलोडीज आपने सुनाई, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी, आपसे खास बात सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब म्यूजिशियंस को देखते हैं, जब ऑर्केस्ट्रा हम लोग देखते हैं लाइव, सबके सामने नोटेशंस रहते हैं और सब नोटेशंस देख के बजाते हैं। आज आपने अगर देखा होगा तो पांचों म्यूजिशियंस विदाउट रेफरिंग टू एनी नोट परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नोट बजा रहे हैं, एंट्री एग्जिट स्केल सब चीजें। इसमें इनकी जो अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और जो तन और मन लगाने की प्रक्रिया रहती है गाने में, वो हमें सबको दिखाई देती है। तो मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंडिया क्लब जकार्ता, महाराष्ट्र मंडल और गुजराती समाज से, और सभी प्रेक्षकों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमें इतना अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस भी मिला, कमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिले, सब लोगों ने एंजॉय किया है प्रोग्राम। तो मैं फिर एक बार थैंक यू बोलता हूँ और फिर यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने शो एंजॉय किया। तो हम आखिरी गाना पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर से हम ऐसे कुछ शो करेंगे। और हाँ, ये डॉन करके स्टूडियो है जिन्होंने सब ये अरेंजमेंट किया है, और ये डॉन स्टूडियो की तरफ से मैं यश गोखले जी का और नरेंद्र भिड़े जी का खास करके मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और पता नहीं कैसा शो चल रहा है या कैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ऑडियंस का समझ में नहीं आता है, लेकिन आपने जो बोला इससे तो इतना तो बता सकते हैं कि आपको शायद ये शो पसंद आया है। चलो फिर आखिरी गाना प्यार हो ही करार हुआ, ये गाना ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो जो पिक्चर के अंदर जो सीन है, वो सीन के अंदर पहला कुछ ऐसा क्रिएशन है, ये क्रिएट करते हैं मूड गाने का, और ये गाना स्टार्ट होता है जो जो चाय वाला दिखाए होता है ऐसा ऐसा करता है, फिर उधर से जो शुरू होता है ना, उधर से हम ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक ये बजा रहे ये गाने का।
थैंक यू, बहुत धन्यवाद सबको। शैलेंद्र दादा, हेलो, नहीं नहीं व्यवस्थित।